So, जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर आप सभी ने देखा था कि फाइनली जो है हमने पिछले एपिसोड के अंदर टीम कर लिया था इन आरजीज को, जो कि लाइक इनको नहीं किया था, लेकिन जो आरजीज को हमने टीम किया था उससे मैंने फाइनली प्यारे से म्यूटेशन वाले आरजीज निकाले जिनका कलर भी बहुत प्यारा है, एंड ये रहा हमारा फ्यूनिक्स वो रहा। सो एक और मैंने एक्स्ट्रा पेयर निकाल के रखा बिकॉज जैसा कि तुम्हें पता है लिमिटेड के साथ हमारे क्या हादसा हुआ था, उसे एक बार थाइला कोहली ने मार दिया था। इस वजह से मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक एक्स्ट्रा पेयर सभी से रखा जाए, इसलिए मैं मोस्टली अभी सबके एक्स्ट्रा पेयर रखता ही हूँ, लाइक पेयर नहीं रखता, एक तो रख ही देता एटलीस्ट, ताकि बाद में दिक्कत आए तो ब्रीडिंग करनी पड़ सके। वैसे तो ये मेल फीमेल है और वो आई थिंक फीमेल ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। सो इसके बाद हमने कुछ प्रोग्रेस भी किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है सबसे पहले लगा दिया आइटम कलेक्टर, ऑल्सो इसमें मैंने 100 से ज्यादा प्रॉब्लम्स डाल दिया, ज्यादा नहीं डाले, ज्यादा थे लेकिन एक दो पता नहीं गायब हो गए। बाकी ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके जो भी पूप्स वगैरह जमीन पे गिरेंगे सारी कलेक्ट करेगा एंड उनको ये जो फीडिंग थ्रू वगैरह में भेजता है, जो कि फीडिंग थ्रू ही बोल रहा हूँ, इसके अंदर भेजता है। ऑल्दो मैंने रैप्टर्स को यहाँ पे सेट कर दिया क्योंकि यहाँ पे मेरे को काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, वहाँ पे इनका भी ज़्यादा काम नहीं था, उस एरिया को मैंने ब्रीडिंग सेक्शन बना दिया है, वो भी दिखाता हूँ। उसके बाद में वो क्या करता है, बेसिकली वो आपके पूप्स वगैरह का जो है इसके अंदर भेजेगा जिसमें आपके फर्टिलाइजर बनेंगे। इसमें मैंने बहुत सारे टाइचन और डाल के रखे, इसमें फर्टिलाइजर बन रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैंने एक ये लगा दिया है फार्मर, जिसके लिए बियर की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस वो मेरे पे है नहीं, तो बियर्स को मैंने बनाने के लिए लगा दिया है बैरल्स के अंदर। यहाँ पे रुको, इनको एक्सेस करना डिफिकल्ट होता है, तो यहाँ पे हमारी बियर एक बन गई। ओके चलो सही है, आना है। अरे हाँ, इसमें सॉरी, इसमें वो ग्लास बीज डालना रहता है, शिट साइड से ये इस पर इतनी थोड़ी बनेगा, ये जार डालना पड़ेगा ना मेरे को बियर बनाने के लिए, मे भी मेरे को याद नहीं यार, रुक जाओ। ये लास्ट बार मैंने आग मोबाइल के अंदर किया था, इस वजह से मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन रुको जार इसमें थोड़ी बनता है यार, रुक जाओ, जार जो है इसके अंदर, लेट्स सी लास्ट मैंने भाई बनाया था वो मोबाइल के अंदर, इसलिए मेरे को याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली होता गया, रुको लेट्स सी। ओके चलो हाँ बन गया, नाइस एंड ले ले भाई। अच्छा इसके लिए कैलिन सूप चाहिए, तो बियर किसके लिए चाहिए, ये समस्या है, ये फार्मर है। अच्छा इसके लिए भी गैलिन सूप चाहिए, इसके लिए भी गैलिन सूप चाहिए, ये फार्मर क्यों है लेकिन। अरे यार एक गार्डनर था, एक रुक जाओ, शायद मैंने गलत लगा दिया था, मैं वही सोचो, ऐसा नहीं है भाई, रुक जाओ, एक गार्डनर बनाना था हमें जो कि बियर्स लेता है, एंड मैंने उसकी जगह गलती से एक और फार्मर लगा दिया। ओके माय बैड, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग जो है डिमोलिश कर देंगे, जिसका हमें अभी कोई यूज़ नहीं है। एंड अगर तुम पूछ रहे हो, इसको लगाएंगे यहाँ पे। ओके इसको अभी हम लोग देंगे एक बियर। ओके चलो ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, एक्टिवेट। ऑल्सो हम पे एक और बियर बन गई रहेगी यहाँ पर, लेकिन फिलहाल के लिए वो काफ़ी टाइम तक टिक जाएगी। बाकी मैं जो है एक और बहुत सारे जार्स बना के इनके अंदर डाल दूंगा, मेरे को आइडिया नहीं था, मैं भूल गया था ना ये चीज़ को। बाकी बेसिकली गार्डनर क्या करेगा, तो जो भी क्रॉप्स यहाँ से वो कलेक्ट करेगा और सारे उसके इस इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे, दैट्स इट। बाकी जो हमारा फार्मर है वो क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली क्या इसका ये कहा गया, इन्फो कहा गया, अभी कोई बात नहीं। बेसिकली क्या करेगा मैं बता देता हूँ, ये जो है ये सारे फर्टिलाइजर्स को जो है उनमें से कलेक्ट करेगा, उनमें से और हमारे बुबू दूदू से, एंड उनको जो है यहाँ पे सप्लाई करेगा। ये देखो ये बेशरम को, इसका पीसी भाई क्रैश मार गया है, दो दिन से ये सॉल्विंग कर रहा है। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग एंड फार्मिंग का जो मैकेनिज्म है S+ का बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपकी इन चीज़ों में। सो या बाकी इसने अंडे बहुत कलेक्ट कर लिए साला, अब तक रैप्टर अंडे नहीं दे रहा था, अचानक कैसे देने लग गया पता नहीं। अगर यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए तो बाहर मैंने एक ये लगा दिया जनरेटर, बाकी इक्वस जो है हमारे ब्रीड हो रहे हैं ताकि इनमें से हमें एक प्यारा सा इक्वस मिले, जो कि मैं बहुत पावरफुल इक्वस बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने AC वगैरह लगा दिया ताकि जो भी ब्रीडिंग्स हो यहाँ पे, ऑल्सो कभी हमें गर्मी लगे तो हम यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। क्या बात कर रहे बाबा। और गाइज मैं 2 मिनट के लिए मौन रखना चाहूँगा बिकॉज हमारा जीरबुआ पिछले एपिसोड में मर गया, वो हमारे साथ शुरुआत से था, उसने और मैंने काफ़ी सारे पल साथ में बिताए थे, फिर मैंने उसे इस चूतिए को दिया और फिर उसने मरवा दिया। बाकी यहाँ पे हमारा जो प्यारा सा जिरबो था भाई, वो तो मर गया, उसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही प्यारा जिरबो था हमारा, प्यारा सा सैन कलर का वेदर बताता था यार, बहुत प्यारा था। लेकिन कोई बात, तो आज के इस एपिसोड में फिर हम लोग क्या करने वाले, तो हाँ आज के इस एपिसोड में हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले उस क्यू को, जो कि हमने पिछले एपिसोड में आई थिंक देखी थी। बाकी यहाँ पे मैंने देखो क्या बना के रखा है, यहाँ पे मैंने टी लॉन्चर नहीं मेरा मतलब ये क्या बोलते हैं रॉकेट लॉन्चर्स बना के रखे है, क्या बोलते हैं जिनकी एमोज मैंने नहीं बनाई, क्या रुक जाओ इनकी एमोज हैं, रुक जाओ मैंने इनकी एमोज नहीं बनाई थी। अच्छा कोई बात नहीं, बना ले रहा 42 एमोज, कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएंगी,
30 बना ही लेता, ऐसे 36 बना ले रहा। सो यहाँ पे कुछ मैं लॉन्चर्स अपने साथ ले रहा हूँ जिससे एक्चुअली वजन काफी भरने वाला है, लेकिन हमें जो है आज जाना है उस केव के अंदर, वहां पे हमें रबर गोलेम भी देखने मिलने वाला है। सो रबर गोलेम को टेम करने की प्रोसेस मैंने देखी नहीं है किसी वीडियो में, लेकिन जहां तक मेरे को पता है उसको रॉकेट लॉन्चर से टेम किया जाता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे, होपफुली वो टेम हो, अगर नहीं हो तो भाई फिर लग जाएंगे। बाकी यहाँ पे अरे यार इसको ना यार उसकी प्यास लग जाती है, पीले भाई पीले। अरे यार मैंने अपना जार तो नहीं दे दिया ना उसको, ये हमारा जार कहाँ पे गया फिर? अच्छा हाँ सॉरी, हम तो कैंटीन यूज करते। हाँ सो मैं कह रहा था कि हाँ सो मैंने वो प्रोसेस वगैरह तो नहीं देखी है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है रॉकेट लॉन्चर से इसको टेम किया जाता है, एंड इनकेस अगर ये नहीं हो तो फिर दिक्कत वाली बात होगी, लेकिन होपफुली ऐसा ना हो, क्रॉस फिंगर्स। बाकी हमने ये एमओज इसलिए लिए बिकॉज ये एडवांस प्रोजेक्टाइल एमओज है जो डायरेक्टली वो जो भी हमारा विक्टिम होगा डायरेक्ट उस पर जाके अटैक करते हैं एनिमी पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक बेसिकली ऑटो मिसाइल से ये, तो एम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली टारगेट करेंगे। लेकिन ये इस पर अटैच होंगे कि नहीं? हाँ होंगे बिल्कुल, ठीक है नहीं हो रहे, हाँ होंगे, क्योंकि मेरे को वही टेंशन है, वो क्या कहते गलती से अगर अटैच नहीं हो तो दिक्कत हो जाएगी। भाई ये बहुत प्यारे। बाकी अभी हमें यहाँ से निकल जाना चिर को, एक काम करेंगे हम जो है हमारे मिडनाइट को लेने वाले सबसे पहले। ऑल्सो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारे मिडनाइट के अंदर कुछ चेंजेस आया है, तुम यहाँ पे देख सकते हो मिडनाइट का डैमेज कितना है। पिछले एपिसोड में तुमने देखा होगा मिडनाइट का जो डैमेज था वो लाइक 1K था, लेकिन अभी इसका जो डैमेज है ऑलमोस्ट 2K क्रॉस करने वाला है। सो ये सब मैंने कैसे किया, बहुत सारी म्यूटेशन की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी, जिसके अंदर आपको हर चीज़ मैं बताऊँगा, लेजिटली कैसे करना है, क्रैक कैसे करना है, हर चीज़ तुम्हें बताऊँगा कि म्यूटेशन की कितने वेज है, कैसे कैसे तुम म्यूटेशन निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा होल्ड करो बिकॉज म्यूटेशन वीडियो बनाना आसान नहीं है। लाइक मेरे को बंदे पूछ रहे थे भाई कि म्यूटेशन की वीडियो कब आएगी, तो देखो मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी बनाऊँ, लेकिन अभी भी मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स और गैदर कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें एकदम A to Z बता सकूँ कि एक्चुअली म्यूटेशन है क्या, उन्हें निकाला कैसे जाता है। बाकी ये जो ट्रिक मैंने यूज़ किया ये अलग ट्रिक है, तो ये हम दो म्यूटेशन की अलग अलग सेपरेट वीडियोज बनाएंगे, एक इसमें मैं आपको पूरा वैनिला वाला वे दिखाऊंगा एंड दूसरे इसमें हम लोग जो है ट्रिक्स को यूज़ करेंगे जिससे हम इजीली म्यूटेशन निकाल पाए। सो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्दी वो वीडियोस आएंगे। बाकी चलो यहाँ से निकलते हो। आरजी तो भाई आरजी भी हमारा बहुत तेज़ है, देखो हमारा आरजी का डैमेज यहाँ पे ऑलमोस्ट 2300 का है, प्लस इसकी मूवमेंट स्पीड 140 है, लेकिन स्टिल ये काफ़ी तेज़ है। लाइक मेरे को जितना चाहिए उतना तेज़ तो वैसे है ही है। रुको, केव की लोकेशन मेरे को नहीं मालूम, लेकिन रबर गोलेम सिर्फ उसी केव में मिलता है, इसलिए ये ट्रैक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रुको, आर कहा है बे? हाँ रुको, रेक्स है। अच्छा हाँ, ये दे रबर गोलेम, एंड मैंने आई ये दोनों क्यों में मिलते हैं क्या? भाई रुको, मैं श्योर नहीं हूँ अभी कि ये कौन से क्यों में मिलेंगे। अरे यार मेरे को लगा वो सिर्फ उसी क्यों में मिलते हैं, लेकिन ये तो दो अलग अलग लोकेशन बता रहा है। कोई बात नहीं, रुको चेक करते जाके। मैं ये केव तो नहीं है जिसमें आई थिंक रबर गोलेम्स को, एक्चुअली केव तो हमें वही कंप्लीट करनी है, खास रबर गोलेम टेम करने के लिए हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम उसी केव में जाएंगे क्योंकि दोनों में से एक केव है जो हमें कंप्लीट करनी है। देखते हैं अगर कोई न्यू केव मिले तो ये भी कर लेंगे उसमें क्या। अरे ये वो बी हाइज वाली जगह पे ले गया भाई, बी हाइज वाली केव में ऑलरेडी, भाई बी हाइज वाली केव में भी रबर गोलेम थे। हाँ लेकिन क्या बोलते हैं, अपन ने जब वो रबर गोलेम के लिए अपन उस केव में गए थे, लाइक अपन उसके लिए तो नहीं गए थे, लेकिन जब हम लोग उस केव में गए थे तब वैसे भी डायनोसिस स्पॉन नहीं होते, इस वजह से मैं भी हमें रबर गोलेम ना दिखाओ। ऑल्सो यहाँ पे एक दो बीहाइव्स तो स्पॉन हो चुकी है, लेकिन मैं इस बार टाइम दे रहा हूँ बीहाइव्स को ताकि वो लोग ज़्यादा स्पॉन हो, एंड मैं हगू नहीं इस वजह से। ये वाले अपन ने चेक किए, ये वाले पे जाते हैं। 2 hours later पता नहीं इसके कि मेरे को एंट्रांस ही नहीं समझ रही है कौन सी वाली है, लाइक ये यहाँ पे तो नहीं होता भाई, यूटी टेम करना, यूटी के फियर के ऊपर उड़ूंगा। ये पता नहीं क्या बोलते हैं, इसका एंट्रांस नहीं मिल रहा मेरे को भाई, ये तो नहीं है। अरे यार उस दिन कहीं पे तो देखा था, यही था क्या? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं था। भाई ये कहाँ चला गया, इसका जगह तो था। अरे यार वो केव की एंट्रांस नहीं मिल रही है अभी, यही थी मेरे हिसाब से, यही थी, ये है नहीं है। अब इसकी एंट्रांस कहाँ चली गई? एंड एज फार एज आई रिमेम्बर केव यही पे आसपास कहीं तो थी, लाइक गाइस रुको यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि केव की लोकेशन क्या थी यार। ऑल्सो टेक्निकली हम कौन सी केव में जा रहे हैं मेरे को वो भी नहीं पता है, क्योंकि उसमें कौन सा आर्टिफैक्ट एंड ऑल है। यार मेरे को ठापे जरा टेम करने के लिए आना है यार, लेकिन पहले रुक जाओ इसका सॉर्ट कर लूँ। यार ये कहाँ पे है ये? अरे यार भाई वो लोकेशन ही नहीं मिल रही यार, जहाँ से केव के अंदर जाते हैं भाई, ये क्या बात हुई? ये क्या है बे, ये कोई एंट्रांस है अंदर जाने का? नहीं है भाई, मेरे को लगा कोई सीक्रेट गड्ढा है। भाई यार ये क्या फालतू गिरी, हाँ दिख गई। अरे भाई कहाँ थी यार इतने देर से?
अगर आदमी चलो फाइनली हम आ चुके हैं क्यू के पास। अभी एक काम करेंगे, सबसे पहले हमारा थाइला जो है हम लेंगे अंदर, ठीक है। थाइला को अंदर, सॉरी आरजी को अंदर लेने के बाद इसमें कुछ नहीं 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 यार रुक जा भाई प्लीज ना यार, गेम लैग। मैं क्यों के अंदर भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा भाई। नहीं यार ये पीछे क्यों आ रहा है, ऐसी ऐसी शुरुआत नहीं करनी। सिल्वर बैग इनको कुत्ते की तरह मारेगा, देखो सिल्वर बैग बाहर ले यार। हाँ कोई बात नहीं, चलो फाइनली हम केव के अंदर तो आ गए। साला अच्छे से एंट्री भी नहीं लेने दिया, कोई बात नहीं रुको भाई। ये केव के बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो वैसे है नहीं, लेकिन हाँ यार, अरे यार यहाँ पे ये लोग बैठते हैं। हाँ रुक जाओ इनका लेवल क्या है? मैं यार इनका लेवल नहीं दिखता। एक सेकेंड, हेलो, ये लेवल नहीं दिखता इनका। कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इनको छेड़ना तो नहीं चाहूँगा, अल तो मैं छेड़ भी दूंगा तो क्या ही फाड़ लेंगे मेरा भाई। मेरे को आई डोंट थिंक अभी कोई किए उसको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेरे पे थाइला है। लेकिन सबसे पहली चीज़ मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे को एग्जैक्टली जाना कहाँ है, बस यहाँ तो बहुत भाई यहाँ तो बहुत चीज़ है। रुक जाओ भाई जाना कहाँ है, रुक जाओ। एक काम करेंगे, सुनो पहले रबर गोलेम टीम करके आ जाओ भाई, मेरे को टीम करना है यार। रबर गोलेम्स बेसिकली जो रॉक एलिमेंटल गोलेम्स होते हैं उनका स्मॉलर वर्जन होते हैं, एंड आई रियली डोंट नो कि इन्हें टेम कैसे किया जाता है, आई एम नॉट श्योर। बट ये है कहाँ पे, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है ही नहीं। ये क्या पानी के अंदर जाना पड़ेगा इसके लिए? इनको मार ही देता हूँ भाई, ये क्या यू काट लेंगे मेरा भाई। बट 12 ही ललका था, ये लोग भाई सोते रहते हैं, इनके एक टीममेट को मार भी देंगे, इनको फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये 34 मीटर्स मतलब यही पे है, लेकिन मैं इसको जगाऊंगा कैसे? I don't know, let's try this. क्या ये जाग गया? नहीं जागा भाई, पता नहीं यार इनको। छोड़ो रुको, ये वाला तो नहीं, रुक जाओ शायद वो पानी के अंदर ऐसा हो सकता है। रुको ये है कहाँ पे भाई, मेरे को डर क्यों लग रहा है? ओए पानी के अंदर क्या कर रहा है यार? नहीं ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं। छोड़ो भाई, मेरे को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, सुनो हम एक काम करते हैं, लाइक आई थिंक वी शुड गो फॉर। ओह भाई इसके अंदर तो बहुत आ गए, ये तेरी मम्मी माँ 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 बहने कर दी ना भाई। ओके यहाँ पे एक और अब गोलेम शो हो रहा है, बट मेरे को हाई लेवल का टेम करना है, एंड आई थिंक मैंने लो लेवल ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। नोप 100 लेवल का रॉक गोलेम है। ओके चलो, ओके लेट्स सी ये कहाँ पे मिलेगा हमें। आई थिंक यही मेरे को आर्टिफैक्ट की ओर भी लेके जाएगा, इनको मारना पड़ेगा। फक भाई यार, भाई डैमेज बहुत प्यारा है भाई थाइला का, हद से ज़्यादा। व्हाट द हेल, तुम क्यों के अंदर क्या कर रहे हो? 20 और 4 लेवल के डायनो से क्यों के अंदर? ए आर्टिफैक्ट मिल गया। अरे यार तुम कहाँ से आ गए? आर्टिफैक्ट नहीं ड्रॉप हेड यार, मैं भी क्या नूब, सॉरी। रुक जाओ भाई, असेंडेंट का सामान दे दे यार, ये सारी असेंडेंट की ऐसी चीज़ें देता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। टोपी तो फिर भी मेरे को मिली गई, ये लगा लेता हूँ फिलहाल के लिए। रबर गोलेम पानी के अंदर होते हैं क्या? हाँ वो भी पानी के अंदर था, मेरे को लगा कि वो ग्लिच होगा, बट नहीं ऐसा नहीं है। लेट्स सी फिर कि इफ मैं, रुक जाओ, इससे पहले एक चीज़ मेरे को करने दो। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रॉक एलिमेंटल्स हमें देखने मिलेंगे, लेकिन इनकेस अगर वो हो तो मैं पहले ही जानना चाहता हूँ। रुक जाओ, इसके में ओके है भाई, इसके में मेरे बाजू में ही है भाई, ये उधर कहीं तो है, इससे संभाल के भाई, इसलिए मैंने ट्रैक किया, मेरे को लगा ही भाई कुछ तो सीन रहेगा पक्का। कोई बात नहीं चलो, लेट्स सी इसको टेम करने की कोशिश करते हैं। आई डोंट नो, मैंने इसको कभी टेम नहीं किया है, मेरे को प्रोसेस भी नहीं पता है, लेकिन आई थिंक हम लग गया। अरे भाई पत्थर मार रहा है। ओ भाई पानी के अंदर क्या कर रहे हैं लेकिन ये, रुक जा अभी सवाल ये है, ये कहाँ गया? ओ भाई ये ऊपर तो नहीं आ रहा, अरे पत्थर मत फेंक, रुक जा। अरे नहीं रुक जाओ यार, इसको मैं लॉक कैसे करूँगा? प्रॉब्लम वो हो रही है मेरे को भाई, मैं पानी में गिर गया ना मेरा गेम ओवर हो जाएगा। रुक जाओ, ओ भाई मेरे को डरा मत, ऐसे लॉक नहीं कर रहा यार मेरा टारगेट। लगी, ये नॉक कैसे होता है वो भी नहीं पता।
यू किल्ड अ रबल गोलेम, क्यों? ये मर कैसे गया यार? मैं कहाँ गिर गया भाई, मेरे को ऊपर ले ले पहले। अरे यार मानना नहीं था यार। अरे भाई इधर 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 लेके चल ऊपर। हाँ इधर तू क्यों, मैं वैसे भी मैं राइड नहीं कर सकता। आई न्यू इट, लेकिन मैं पहुंच गया। नाइस। थोड़ी देरी से ही फायदा तो उठा लिया। वेरी सहला भाई, रबो गोलेम मर गया यार, रबो गोलेम डेड है। क्यों लेकिन यार, मैंने उसे मार दिया। टीमिंग प्रोसेस तो यही थी। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरे पे रुको रुको रुको, मेरे पे ये है क्या? ओके मेरे पे ग्रैपलिंग है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को ना उसके इन्वेंट्री में क्या वो देखने दो भाई। पता चला कुछ बहुत प्यारी चीज़ मिली, लेट्स सी, होपफुली कुछ मिल जाए। भाई देख रहे हो कैसे दिखता है ये बेसिकली रॉक एलिमेंट। ओह भाई कैसे स्कैरी लग रहा है। और रॉक एलिमेंटल जो होते हैं, अरे यार इनको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या है यार, कैसे करते हैं? ओके ओ भाई क्रिस्टल मिलता है इनसे, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। भाई जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा स्टैमिना नहीं है, मेरा स्टैमिना नहीं है यार। ये सांस लेने दो इसको, फिर नीचे जाएंगे। पता नहीं यार, मैं तो नॉक करने की कोशिश कर रहा था, ये मर गया यार। भाई क्या प्यारा लगेगा यार ये छोटू सा मेरे बेस पे। बड़े वाले को तो टेम करने के लिए मेरे को नहीं पता मेरे को कितना टाइम लगेगा। ओके वेर इज माय थाईला। ओके वो ऊपर है, रुक जाओ यार। भाई ये दिक्कत हो रही यार। अरे चढ़ ले यार। भाई वही स्टैमिना खत्म हो जाएगा, मस्ती। हाँ थैंक गॉड, मस्ती मत कर बाबा। और रुको इसको पहले कुछ खिला देता हूँ, इसको बहुत भूख लगी है। बाकी पानी में से तो ये अब भी निकला है, तो प्यास का सवाल नहीं है। रुक जाओ इसको, अरे यार तब मारूंगा ना, रुक जाओ। अरे चढ़ लेना यार, तू पागल हो गया यार, रुक जाओ। ये लगेगा भी नहीं यहाँ पे। ओए भाई ऐसा लग रहा है रॉक गोले में। रुक जाओ वहाँ ट्राई करते हैं। ओके अरे यार वेस्ट हो गया यार। चल रहने दो भाई, वो आरजी वाला ही करते हैं। वो आरजी वाला थोड़ा रिस्की लगता है, ऐसा लगता है गिर गया तो भाई आरजी चलाएगा, कोई बात नहीं। अरे यार आना, बहुत मारूंगा। इजी इजी इजी, बहुत सही, बच गया। ओके रुको इसको लेंगे अंदर। सैडल एक मिला है भाई, मेरे को पता नहीं थॉर्नी ड्रैगन्स के सैडल क्यों मिलते हैं इसमें इतने ज़्यादा। भाई इसकी का ये कहाँ पे मिलेगा मेरे को? मेरे को चाहिए आर्टिफैक्ट। ओके यहाँ पे क्या है भाई? रॉक गोलेम से बच के रहूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि रॉक गोलेम आ गया सामने तो भाई ले जाएंगे मेरे। अरे यार ये क्यों, मैं इतना ही है। लेट्स होप कि हम सही जगह जा रहे हो, लेकिन व्हाई डू आई थिंक कि ये मेरे को वही लेके जा रहा है जहाँ मैं था। ओके आई डोंट थिंक ये मेरे को वहाँ लेके जा रहा है। नहीं ना यार, पता नहीं यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं रहा है यार ये एग्जैक्टली मैं जा कहाँ रहा हूँ। अबे यार ये तो मैं शुरू में आ गया भाई। मैंने ना मार देना है तुमको। नहीं 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 नहीं, धक्का दे देगा पानी में, धक्का दे देगा। नहीं 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 नहीं। ओके मार दिया मार दिया। आ जा रहे हो, आ रहे हो तो जल्दी बाहर में जाओ। ओके एक और बार गलत आ रहे हैं हम लोग, वापस एक बार लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे अटक गया। ओके यहाँ से रबो गोलेम डेड उस साइड है, ठीक है इसको ट्रैक में रखेंगे ताकि हमें पता चलते रहे कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे। रबो गोलेम के लिए हम यहाँ गए थे, यहाँ से नीचे जो नीचे कुछ था क्या हमको देखने देगा। ओके आई थिंक हाँ यहाँ से वे है। हाँ दिखे दिखे, अरे हाँ ये जगह तो दिखी नहीं। ओके यहाँ से रुको। ओ भाई कहीं तो निकला, कहीं तो निकला, कहीं तो निकला। ओ अरे यार आ जाओ भाई, तुमको मालूम है कौन तो तुम पंगा लेने आ जाते हो। भाई 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 वो, अरे मैंटिस मैंटिस क्या कर रहे हो इधर? अरे रुक जाओ सबको मारूंगा, इधर आओ। भाई 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 बहुत ज़्यादा लड़ाई है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं हमारा था। अरे यार ये स्लो कर देते हैं ना, हमारा थाईला हद से ज़्यादा पावरफुल है। उसको क्या मार रहा है, मेरे को मारना आ जाए। कोई नहीं हमें पॉलीमर से मिल जाएंगे थाईला से, आई मीन मैंटिस से। मैं नाम क्यों गलत लिखते रहता हूँ, प्रॉब्लम विब्लम है भाई मेरे में कोई। आ जाओ, मैं तुमको छोड़े नहीं ना, नहीं जाऊँगा यार, सारे मार दूँगा। आ जाओ। ओके ये एरिया क्लियर है, ऑल दो मैं आगे जाऊँगा तो फिर रिस्पॉन हो ही जाएंगे, लाइक वापस आ ही जाते रिस्पॉन आई मीन। ओ आर्टिफैक्ट है, मेरे को लगा बॉस फाइट का साइन है। आ जा, तुम क्या रखवाली करोगे, क्या आजा। अरे यार मेरे को शक था यार, क्यों भाई मतलब तू ले 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 इधला बेटी चोट डरे, सोचा बहुत बड़ी चीज आ गई तो डरा था किसको है, ऐसा मारूंगा ना, रुक जाइए ले आ आजा इधर। किस बात का घमंड है भाई? ओके एक शॉट, अनदर वन आई थिंक। इससे नहीं
बहुत जोर से लगी, मैं बहुत गंदा मारूंगा। नहीं 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 नहीं, भाग पीछे भाग, थोड़ा पीछे भाग। आ भाई डैमेज पड़ रहा है इसके पत्थरों का। हो गया, नहीं मर गया। अबे यार ये मर क्यों रहे, इनको टेम नहीं कर सकता क्या मैं? यार भाई वो देखो कहाँ खड़ी, कहाँ गिरी है यार ये, फिर मर गया। ये जमीन पे कैसे गिर गया भाई? भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, व्हाट द फक, ये ऐसे क्यों गिरा है? भाई ये मुंह खोल के क्यों गिरा है? इसकी कोई इन्वेंट्री वगैरह है? व्हाट द हेल, इसमें डोडो बीडो आवाज किसका आता है ये? इसकी कोई इन्वेंट्री वगैरह नहीं है सैडली। अरे अच्छा इसको छोड़ा, अरे आप कहाँ जा रहे हो सर? चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आइडेंटिटी का कोई रॉक गोलेम होगा। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा आसानी से हमने इसकी को भी कंप्लीट कर लिया, लाइक बहुत इजी है। ये है आर्टिफैक्ट ऑफ द क्रैक, चलो बहुत सही। एंड इसके साथ हमें क्या मिला है, टॉर्च की स्किन मिली है विच इज़ गुड, लाइक मेरे पास टॉर्च है और मैं कब से सस्ती वाली किसी भी स्किन यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स सी ये कैसी लगती है, कैसी लगती है? नाइस, मतलब कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा एडवांस टॉर्च है, दैट्स इट, लाइक द फॉरेस्ट में होती है वैसी टॉर्च है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एनीवेज मैंने सोचा था कि मैं जो है इसको टेम करूँगा भाई, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। ओह यहाँ पे पानी है, नाइस। केव तो हमने कर ली, ऑल्सो हमने रबर गोलेम्स को भी मार दिया। आई थॉट कि मैं उन्हें टेम कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक ऐसा है, क्योंकि मैं उन्हें मार रहा हूँ तो ऑब्वियसली मर रहा है, एंड इसका मतलब यही कि मैं उनको टेम तो नहीं कर सकता। ऑल दो मेरे को बंदे बोले थे कि मैं उनको टेम कर सकता हूँ ऐसा कुछ, लेकिन पता नहीं ऐसा नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट ऐसा तो नहीं है। जो एक लास्ट ट्राई हम कर सकते हैं जहाँ पे, अरे यार हाय गाइस बाय गाइस, हटो। एक लास्ट ट्राई अपन कर सकते हैं जाने से पहले, जो मैंने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है? मेरे को स्टिल थोड़े से ऐसी फीलिंग आ रही कि शायद मैं उसे टेम कर सकता हूँ। हटो यार तुम, क्यों इधर बीच में खड़े हो, हट। यही पे देखा था ना मैंने, ओके फाइन। भाई तुम कहाँ कहाँ से आ जाते हो यार? अरे भाई ये कैसे समन मिमन होते हैं क्या? हट, वो देख कहाँ चला गया, हट साला, जब मारते मर जाते, वो देखो कहाँ चला गया। अरे इधर आ मेरे बाप, इधर आ, हट। जंप ही क्यों मारना है फिर? रुक जाओ, आई थिंक यहाँ पे रबर गोलेम था, राइट? रुजा लेट्स सी। अबे यार ये लोकेट तो नहीं हो रहा, लेकिन ये कहीं आ रहा है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर पहला पानी से भी छटते हैं बहुत से। वो लोकेट नहीं हो रहा है यार, वो कहीं और ही बता रहा है। रुको, यहाँ पे कोई वे है नहीं, ये केव का बाहर का एंट्रांस है, वो पता नहीं कौन सी साइड में है। कोई बात नहीं गाइस, हमने बहुत ही ईजीली इस केव को भी कम्प्लीट कर लिया। ऑल्सो पता है हमने एक और केव देखी थी, जो कि पता नहीं उसका लोकेशन में कोई याद नहीं है ना, अभी अपन वो भी कर लेते हैं। भाई अगर केव इतनी आसान है, एक्चुअली केव आसान नहीं, मेरे को लगता है मैं ही ज़्यादा पावरफुल हो रखा हूँ। ऑब्वियसली भाई 2000 के डैमेज वाला थैला लेके तुम स्कॉर्चन में घूमोगे तो तुम्हें पावरफुल तो क्या। अरे चाइना यार, दो तारीफ क्या कर लेता हूँ। वो लोकेशन कहाँ थी? वो एक डेजर्ट वाला एरिया था जिसमें नहीं क्या एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसके अंदर एक केव थी। हमने दो तीन बार, अरे हाय सर, हमने दो तीन बार वो चीज़ चेक भी की थी, लाइक बट है किधर आई डोंट नो। कोई बात नहीं, रुको पहले यहाँ से निकलते, लेट्स होप कि हमें वो क्यों मिल जाए। भाई थाइलास बहुत ओपी भाई, मेरे को आरजी यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती पता है, लेकिन आरजीज़ को मैंने इसलिए टेम किया है बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी काम नहीं आएंगे मेरे, लेकिन बाद में आएंगे। और थाइला डैमेज वैमेज नहीं खाता है क्या वे? रुक जाओ भाई, इसमें केव लोकेट नहीं कर सकते ना, वरना केव भी लोकेट कर लेते। ऑल्सो मेरे को तुम्हें एक चीज़ बतानी गाइस, बहुत जल्दी, लाइक देखो तुम लोग जैसे कि देख सकते हो पहली चीज़ तो कि तुम्हारा भाई इस सीरीज़ को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर रहा है। ऐसा नहीं हो रहा अभी कि ये सीरीज़ ड्रॉप हुई है, अब तक हर एपिसोड आ रहा है, चार दिन के अंदर, दो दिन के अंदर से जैसे जैसे मुझे वक्त मिल रहा है एपिसोड्स आ रहे हैं। एंड यस, ये सीरीज़ कंप्लीट होके रहेगी किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पे अब बहुत जल्दी तुम्हें एक और सीरीज़ देखने मिलेगी जो कि हमारी द सेंटर की होने वाली, जो कि एक पूरी मल्टीप्लेयर सीरीज़ होगी जिसमें हम 5-6 लोग खेलेंगे, तो लाइक वो अलग ही लेवल का फन होने वाला है। क्योंकि इससे पहले कभी भी आपने हमारे चैनल पे लाइक 5-6-7-8 लोगों को एक साथ मल्टीप्लेयर खेलते हुए नहीं देखा होगा, तो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है। वो बहुत जल्द आएगी, लाइक उसमें बहुत सारे अलग अलग मॉड्स भी होंगे, वो वैनिला नहीं रहने वाला, उसमें मॉड्स वगैरह तुम लोग को देखने मिलेंगे एंड न्यू क्रिएचर्स भी देखने मिलेंगे, तो भाई फन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो अगर अभी तक तुमने नहीं किया। अरे
यार वो स्ट्रक्चर वाली लोकेशन कहाँ पे, मेरे को वो नहीं समझ रहा है। वो रहती इसी जगह है कहीं तो डेजर्ट प्लेनेट में, पता है भाई ये ऐसे पूरे रेगिस्तान में बीच में ऐसा अजीब सा पानी भी नहीं रुक गया। एक्सप्लोर नहीं यार मैं नहीं खोल रहा एक्सप्लोर नोट, मेरे पे ऑलरेडी बहुत लेवल है। रुक जाओ पानी यहाँ से पी लेते, ऑल दो हमारे कैंटीन पे है ही पड़े हुए लेकिन स्टिल पी लेते। इन लोग ने एकदम वो वैसे रखा है लाइक रेगिस्तान में जैसे बीच में कहीं एक पानी की जगह होती इल्यूजन टाइप लगता है, वैसा कुछ किया है जो कि अच्छा है। अरे यार वो नहीं मिल रहा है लेकिन भाई मैंटिस टेम करना है यार हमें, मैंटिस कब टेम करेंगे। मैंटिस के लिए मैं हॉर्न्स लेके आ गया हूँ तो मैंटिस भी बहुत जल्दी टेम करेंगे, लेकिन मेरे को अभी एक और आर्टिफैक्ट की जरूरत है और वो मेरे को कहाँ मिलेगा मेरे को वो नहीं मिल रहा है। ओ अरे हम विवरीन वैली के पास आ गए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई 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 अरे यार विवरीन टेम करने हैं, रुक जाओ हम लोग बहुत जल्दी आएंगे एंड व्यूरिस के अंडे भी चोरी करेंगे, लेकिन अभी नहीं बिकॉज ये सही वक्त नहीं है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं हलगर्जी बना करूँ एंड उसमें मर जाऊँ। फक भाई स्कॉर्च छत में विवरिन वैली नहीं देखी थी मैंने, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। एंड हुआ कि ये मेरे पीछे पड़ेगा, ये मेरे को देखे भी ना क्योंकि ये लोग मेरे को देख लिया मैं डेड हुआ। इसे एक्सप्लोर करने हम बहुत जल्दी आएंगे लेकिन आई डोंट थिंक ये अभी सही वक्त है इन्हें एक्सप्लोर करने का बिकॉज हम किसी और मिशन पे। एंड अगर नहीं रहन दो, ये अगर मेरे को देख भी लिया ना गलती से मेरे को जो भागना पड़ेगा, मेरी इसकी स्पीड नहीं है ना मेरे आरजी की स्पीड है। अरे हाँ यार मेरे को एक ऐसा डायनो निकालना पड़ेगा जिसकी आरजी की ज़्यादा स्पीड हो, मैंने मेरे को डैमेज के पॉइंट्स नहीं चाहिए, मेरे को कुछ आरजी की स्पीड में पॉइंट्स आने चाहिए। ओके रुक जाओ मैं एक और ब्रीडिंग से म्यूटेशन निकालूंगा, उसको स्पीड रखूंगा बिकॉज भाई इनसे अंडे चोरी करके भागना पड़ेगा। एंड आई थिंक हम उस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं। नहीं यार ये वो लोग एक स्ट्रक्चर बनाया था तुम लोगों को याद होगा आई थिंक, ये नहीं है यार वो कहाँ पे गया स्ट्रक्चर वाले एरिया। हिस्ट्री टेल्स अस दैट पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। व्हाट द हेल भाई है क्या अभी, ये कौन सा साम्राज्य है? नहीं 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 यहाँ पे मैं नहीं आया हूँ कभी भाई, ये वाली लोकेशन है इसीलिए फक भाई मेरे को जेन्युइन गूज़बम्प्स आ रहे हैं। पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। अबे ये कौन सा साम्राज्य मिल गया मेरे को, अबे ये क्या, ये कौन सा, ये स्कॉर्चत में, ओह फक भाई ये क्या है भाई स्कॉर्चत, क्या पहले कोई राजा महाराजा का था जैसे झगड़े कराए जाते थे क्या, ये क्या है ये कौन सा डायनो इस पे, ये क्या है, नो 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 ये कोई नॉर्मल डायनो नहीं, ये कौन भाई ये जो ये है क्या, रुक जाओ भाई ये वो ये कोई फीन ऐसा करके कुछ है ना, वो ये कोई मिथिकल क्रिएचर है, मे बी पहले स्कॉर्चत में एग्जिस्ट करता हूँ, मे बी ऐसी कोई स्टोरी लाइन हो। एंड रुक जाओ यार ये वो जगह नहीं भाई, ये बहुत इंसेन चीज़ है लाइक मैंने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी थी। ऑल्सो जो हमारी केव लोकेशन है वो लाइक ऐसी ही है लेकिन ये नहीं है यार, वो कोई और लोकेशन थी आई डोंट नो, ये तो मैं फर्स्ट बार ढूंढ रहा हूँ, मैं आया ही पहली बार यहाँ पर तभी तो मेरे को व्यूरिन वैली मिल गई। 3 weeks later अरे दिख गई, ये लो मिल गई फाइनली भाई। पता है मैं कहाँ से कहाँ यार मैं कहाँ से कहाँ आया हूँ भाई, कैसे कैसे भाग के आ रहा हूँ मैं। और रुको ये केव है नहीं, अरे रुक जाओ ये होपफुली केव है भाई, यही देखी थी। नहीं 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 यही है कि नहीं है, रुक जाओ एक काम करेंगे इसको अंदर लेंगे, इसकी इन्वेंट्री भी अंदर लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज है। अभी हमने एक लाइक आर्टिफैक्ट ऑफ द क्रैक तो ले लिया है लेकिन ये वाला इसके अंदर कौन सा, ओह शिट भाई ये तो और इंसेन लग रही है मेरे को। एंड आई डोंट नो इसके अंदर मेरे को कौन से डायनो देखने मिलेंगे, मोस्टली तो वही होंगे जो हमने इससे पहले देखे है। तो भाई इस केव का स्ट्रक्चर इतना प्यारा क्यों है, लाइक बहुत कंफर्टेबल क्यों लग रहा है मेरे को इसके अंदर, ये केव ही है ना। अरे भाई ये केव है कि कोई बॉस टर्मिनल है भाई, डोंट टेल मी मेरे को लावा गोलेम बिलेम के पास लेके जाएगा, मेरे को नहीं पता इसके अंदर है कि नहीं बट मेरे को डर लग रहा है। अरे भाई केव तो बहुत प्यार, ओह शिट ये क्या, ये बैल क्यों है, ये बैल भाई स्कॉर्चत के अंदर बहुत सारे मिथिकल क्रिएचर्स है बे, लेकिन दिए नहीं है इन लोगों ने, बस स्टोरी सुनी है ऐसा लग रहा है। ये पता नहीं कोई बैल लग रहा है बट उसका मुंह भी खुला है और पीछे उसको पूछ है जो मे बी फायर की है और इसको पंख है, पता नहीं ये वो फ्लाइंग लाइनों जैसा ही कुछ है लेकिन अलग, इसको दो सिंग भी है पता नहीं। अगर तुम्हें इन क्रिएचर्स के बारे में कुछ पता तो मेरे को बता, आई डोंट नो मैंने कभी इन चीज़ों को देखा नहीं। शिट यहाँ पे हमारे पास दो रस्ते हैं, हम सबसे पहले इस रस्ते पर जाएंगे, प्लीज़ यहाँ पे चार रस्ते अलग से मत निकालना।
होपफुली हम सही आ रहे हो भाई। अरे आ जा इन लोग को मारने दो, इनको मारना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं कहाँ आ रहा हूँ, मेरे को वो नहीं समझ रहा यार। आई थिंक वो दोनों रास्ते इधर ही आते हैं, या मैं वापस घर जा रहा हूँ। भाई एक सेकेंड, ये क्या डिटेक्ट हो रहा है? अच्छा ये क्या करता है वे? अरे यार चल देखते चल, तेरे को क्यों मारूं मैं, तू टेम होता ही नहीं है। एक और ट्राई मैं कर सकता हूँ वैसे, रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन रॉक गोलेम्स दिखाई नहीं दे रहा। एक ट्राई कर सकते हैं और एक लेट्स सी। भाई ये होते हैं यार टेम, मेरे को इतना पता है भाई, ऐसा नहीं कि नहीं पता। मार मत, बहुत गंदा मारूंगा। अंदर जा अंदर जा, बहुत सही, तेरी भलाई भाई। रुक जाओ लॉन्चर्स लेंगे, ओके लेट्स सी। अरे नहीं यार पागल, उसको लग जाएगी यार। एक शॉट ओके। भाई ये बड़ा क्यों लग रहा है अचानक? लेट्स सी, इतना दूर तो ये जिंदगी में नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हट। एक और शॉट, इसको नॉक करने की कोई और प्रोसेस है क्या? एक और नॉक, नहीं ये मर रहा है, ये इसके शरीर पे ही दिख रहा है। अरे भाई इसकी क्यों वार्ड लगा दी मैंने, इसकी एचपी कितनी लो हो गई। फक भाई, खाले भाई खाले, ऐसे नहीं कहते, खाले चुप से खाले। भाई ये क्या है यार, यार ये केव की मजाक है भाई, ये पता नहीं कौन सी केव है। ये भाई आई डोंट नो लाइक, ये मेरे को एग्जैक्टली कहाँ लेके जाएगा? नहीं 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 नहीं, गिरना नहीं भाई, प्लीज़ नहीं गिरना। लेट्स होप कि मैं, भाई पता नहीं ये नीचे का सेक्शन एग्जैक्टली है क्या। नहीं 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 नहीं, धक्का नहीं देना बेटी, चल बहुत गंदा मारूंगा। खड़े आते हट जा, ये तो भाई कोई बहुत प्यारा घर लग रहा है। रुक जा, इनको मारने दो, इनसे प्राइमेट मिलते हैं मेरे को। अब तक मेरे पे ओबीस है नहीं, तो इट्स बेटर कि मैं इनसे प्राइमेट ले लूँ। 13 प्राइमेट्स विच इज़ गुड, इतने जल्दी स्पॉइल नहीं होते प्राइमेट्स अगर हम डायनोस में रखते हैं तो, हाथ में जल्दी हो जाते हैं। और सोलो है तो मैं जब गेम बंद रखता हूँ तो बैकग्राउंड में भी स्पॉइल होने का टेंशन नहीं रहता। और जो मैंटिस आया, ये आया गया, पता नहीं भाई क्यों पंगे लेते रहते हैं यार। ये केव कुछ और ही चीज़ है, ये केव नहीं है, ये बॉस टर्मिनल है। नहीं ये केव है, ओके। यहाँ पे कोई और आर्टिफैक्ट है, पावर रेंजर जैसा दिख रहा है। ये है आर्टिफैक्ट ऑफ डिस्ट्रॉयर, ओके। ओ इसके शॉट्स, अरे ये वायरस होता है। इस केव में ठंड क्यों लग रही है? शिट, इसमें ठंड लग रही है भाई, रुक जाओ। एंड ये भी ले लिया। ये क्रेट किस केव है? अच्छा वाइन के, मेरे को लगा भाई कोई लूट क्रेट है। रुक जाओ एक काम करेंगे, पहले खाना खा लेंगे। ओके यहाँ पे हमने दो आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट किया, आर्टिफैक्ट ऑफ द क्रैक एंड दिस इज डिस्ट्रॉयर। अरे यार मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है मेरे से कि मैं नीचे जम मार लूँ, लेकिन मेरे को डर लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। रुको एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ नीचे जाके देखना कि एग्जैक्टली है क्या। रुको एक काम करेंगे, सुनो हम एक काम करेंगे, पहले हम जाएंगे अभी बेस पे, ठीक है? हम कुछ चीज़ें करके वापस आएंगे, मेरे को जानना है कि इधर एग्जैक्टली भाई वो जो नीचे का इतना बड़ा गड्ढा है, मेरे को देखना है कि एक्चुअली है क्या उधर। दो पेडिस्टल बनाएंगे एंड उनके अंदर जो है हमारे आर्टिफैक्ट्स को रखेंगे। पेडिस्टल आई थिंक स्मिथी में बनते हैं, ये दिक्कत तो अच्छी रही है ना, इसको कलर करना पड़ेगा मेरी थीम में, क्योंकि मेरी शॉट ज़्यादा बेटर थी मतलब कलर के मामले में। बाकी रुको दो पेडिस्टल बनाएंगे। एक एपिसोड के अंदर दोनों केव्स की कसर निकाल ली, दो दिन से केव सोच रहा हूँ दोनों एक साथ कर ली। अरे नहीं तो क्या यार, इतनी इजी चीज़ें इसने, इसके लिए कौन इतना टाइम वेस्ट करते रहेगा कि हर एपिसोड में एक करो, सीधा दो करके ख़त्म कर दो। ओके यहाँ पे दो पेडिस्टल्स लगाएंगे, इनके अंदर हम जो ट्रॉफीज़ को रखेंगे, ये हमारी डिस्ट्रॉयर की ट्रॉफी एंड ये है हमारी इसकी ट्रॉफी। भाई ये मेरे इसको ना RGB लुक दे रहा है। नहीं यार रुक जा। एक काम करेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको देंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था दोनों लाइन में येल्लो। ओ भाई ये क्या पहन लिया? अच्छा हट एंड इसको यहाँ पे रखेंगे, ओके। हाँ अब अच्छा लग रहा है। अरे यार पता नहीं ये कहाँ से आ गया, वैसे केव के अंदर तो अफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए हम वापस केव में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो रुको एक काम करेंगे, पहले रॉकेट लॉन्चर्स को अंदर रखेंगे, बस एक अपने साथ रखेंगे, बिकॉज काफ़ी देर तक ये टिक रहा है, मतलब इतना नहीं टिक रहा बट फिर भी इनका वजन बहुत हो गया है, बेफालतू में लेके आया भाई, फ़ायदा तो है नहीं इनका कुछ। रुक जाओ इसको मैं इसमें देखने दो, कौन सा है 66-45 ना, 45 फेंक देंगे एंड 42 फेंक देंगे, 66 इज़ बेटर सो हम उसे रखेंगे। अरे यार अच्छा, ये वेदर के हिसाब से ये ऐसे बन जाता है, पता नहीं कैसा, कोई बात नहीं, चलो कोई सीन नहीं है।
अरे यार इसको भी नहीं होगा ना तो कार। अभी हम लोग जाके देखते भाई की। नहीं 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 नहीं, नहीं रुको, रुको रुको रुको, एक और चीज करनी थी। हैं? डोंट टेल मी कि मैं गेम के अंदर नहीं जा सकता भाई, ऐसा मत कर प्लीज। अरे यार ये भाई भाई हम गेम के अंदर वापस टेलीपोर्ट नहीं मार सकते क्या? अरे यार ये वेदर, रुक जो, ये वेदर का सीन हो रहा है क्या कुछ? अबे यार जितना गहरा वो गड्ढा था ना, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ उसके अंदर होगी भाई। मेरे को वो देख नहीं, पता नहीं मेरे को बहुत क्रेव हो रही है एंड साथ मेरे को घुसबंस भी आ रहे, पता नहीं। ओके अरे यार ये कितने सारे एक साथ आएंगे अभी। हम यहाँ पे हमने दो, इस बार हम ये रास्ता लेंगे, देखते कहीं और लेके जाए या फिर वही लेके जाएगा पता नहीं। हाँ ओके ये दोनों सेम ही जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि एटलीस्ट ये झिझक तो नहीं रहेगी मन में कि भाई दो रास्ते अलग जा रहे हैं, वहाँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके हम सीधा जंप मारने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ओह गॉड, इसकी, अरे यार मेरे को लगा गड्ढा है नीचे। अरे यार मदरचोद, भाई नहीं यार, नहीं भाई, नहीं 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 यार, नहीं मेरा आरजीबी। ओके रुक जा, इन्वेंटरी 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 में ले सकता हूँ क्या? अरे नहीं यार मिडनाइट नहीं यार, मिडनाइट नहीं, नहीं नहीं ना मिडनाइट नहीं यार, मिडनाइट नहीं, वल्चर भी गया यार। ओके इन्वेंटरी मिल गई आरजी, ओके थैंक गॉड आरजी मिल गया। नहीं यार मिडनाइट नहीं यार, मेरे को नहीं मालूम भी हो यार तो ओके भाई, सॉरी भाई, मेरे को पता ही लगा, मेरे को लगा नीचे कुछ बड़ी चीज होगी यार। वल्चर भी गया भाई, भाई भाई पर भी मर गया भाई, शी भाई। अरे यार इसलिए मैं नसीब भाई, वो तो मैंने क्या बोलते हैं, वो तो नसीब क्या बोलते हैं कि मैंने वो लगा दिया था भाई आर्टिफैक्ट्स आके। ऑल्दो वैसे तो मैं इन्वेंटरी रिट्राइव कर लेता, बट स्टिल यार इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को इस वक्त, मैं क्या ही बताऊँ तुम लोग को भाई, मेरे को वही नहीं समझ रहा। मैंने इतनी मेहनत की थी भाई मेरे सिल्वर बैग पे, सिल्वर बैग क्यों भाई? एक तो भाई मैं मिडनाइट सिल्वर बैग में पता नहीं इतना कन्फ्यूज क्यों होता हूँ भाई, मेरा ही ओके मैं ही नाम भूल जाता हूँ भाई, इसीलिए छोड़ के चला गया। कोई बात नहीं गाइस, एक बार हैश टैग सिल्वर बैग हो जाए चैट में प्लीज़, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि तुम इसको ट्रिब्यूट दो, बिकॉज भाई सिल्वर बैग मेरे बहुत ज़्यादा करीब था। यार इसका ये किधर है यार? भाई ये मिल ही नहीं रहा है यार, रुक जाओ, कहाँ है ये बेटी चोद? हाँ ये रहा, हमारा ये कहाँ रहा करता था? वल्चर हमारा मोस्टली इधर रहता था ऐसे पड़ा हुआ, क्या कर सकते भाई। इसी भाई ये लो भाई वाइपर। यार वाइपर मेरी जर्नी में मेरे साथ नहीं रहता, इसलिए मैंने मेरे वल्चर को वाइपर बना दिया था, वो भी नहीं रहा बेंचो। अरे ऐसा छोटा क्यों लिखता है, पागल वागल है? कोई बात नहीं गाइस, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही भाई। आज बेसिकली मेरे को पता है क्या लग रहा है कि मैं आर्टिफैक्ट्स लेने नहीं गया था भाई, मैं ना वो सोल स्टोन लेने गया था, ऐसा लग रहा था। दो आर्टिफैक्ट्स के बदले दो जाने गई है, एक सिल्वर बैग गया भाई एक के बदले, और एक के बदले वाइपर चला गया यार, जेर वो तो पहले चिपट गया पूरा। कोई बात नहीं, आज के लिए फिर बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आएगा। बाकी आज हमने हमारा सिल्वर बैग खो दिया, इसलिए मेरे को कोई खुशी नहीं हो रही है आउटरो देते हुए, लेकिन देखते हैं अभी जवान लौंडे लौंडिया हमारे फिर से कोई नया बच्चा निकाल लेंगे। मिडनाइट तो मैं यूज़ नहीं कर रहा एंड वो तू इतना मार, ओ भाई ये कहाँ से आ गया यार, आज ही सब कुछ क्यों होना है? योर रिक्वेस्ट किल्ड। अच्छा अरे बस 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 बस, इसको कहते हैं एकाग्रता, एकाग्रता में पूरा बीस की मार होती है। सही है भाई, सही है सही है। हाय भाई फियोनिक्स, क्या हाल है भाई? तो आज के लिए फिर बस इतना ही, होपफुली आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, मेक श्योर इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर एंड एक बार प्लीज रिप सिल्वर बैग हो जाए, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीज़ बोलो। अरे यार तुम सब क्यों, अरे भाई सब घर घूर में क्यों घुस गए यार? कोई बात नहीं गाइस, चलो बाय बाय। अरे नहीं क्या करता है भाई, करना कहा है भाई, बाय।